नमस्कार दोस्तों, आजकल जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं ये गाना नहीं सुना हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे। इस गाने को छत्तीसगढ़ का उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र सुकमा के तुरमापाल गांव में रहने वाला एक गरीब घर का सहदेव नाम का लड़का, जो कि आदिवासी लड़का है, उसने दो साल पहले सितंबर 2019 में अपना क्लास का जो कल्चरल प्रोग्राम पीरियड के दौरान गाया हुआ है। और इसी गाने के साथ भारत के महान कलाकार गायक बादशाह जी ने रिमिक्स करके एक गाना बनाया है। वो इतना वायरल हो रहा है, मैंने इस वीडियो को शूटिंग करने तक 6 दिनों में 80 मिलियन से ज्यादा उसको व्यूज मिला है, अर्थात 8,05,78,948 व्यूज मिला हुआ है। और लाइक कितना मिला है, 4.2 मिलियन लाइक मिला हुआ है। अब इसी से पता चलता है कि ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का कितना शक्ति है, कितना पावर है। और इसी गाने ने उनको जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया है और उसको बाई ईयर छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाकर बादशाह जैसे महान गायक के साथ रिमिक्स गाने का मौका मिला है। और इंडियन आइडल जैसे भारत के फेमस टीवी शो में स्पेशल गेस्ट के रूप में जाकर उसने गाना गाने का मौका मिला है। साथ में बॉलीवुड के बड़े स्टार जैसे हिमेश रेशमिया हो गया, नेहा कक्कड़ जैसे के साथ गाना गा के स्टेज पर थिरकने का मौका भी मिला है। और उसके बाद में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ स्पेशली गेस्ट के रूप में मिलने का मौका मिला है और उनके द्वारा उनको कई तरह का सहायता करने का आश्वासन भी मिला है। और दोबारा बादशाह जी ने उनको मुंबई बुलाया और मुंबई में बुलाकर एक वीडियो को शूटिंग करके अभी अभी उनके घर वापस लौटे हैं। तो आप देख लीजिए, मैं इसके लिए बादशाह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बादशाह जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कहीं मेरा वीडियो में कॉपीराइट का क्लेम मत दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उनको भी मैं टैग करूँगा ताकि उन तक पहुँचे। हो सकता है वो देखे ना देखे, फिर भी यदि देखे तो मेरा वीडियो को देखते ही कहीं कॉपीराइट मत दीजिएगा। मैंने सहदेव के बारे में सैकड़ों वीडियोस देखने के बाद और कई आर्टिकल्स पढ़ने के बाद सहदेव का फैमिली बैकग्राउंड, वायरल गाना ओरिजिनली किसने गाया था, पूरा इतिहास क्या है उसका, सहदेव को सेलिब्रिटी बनने में किस किस ने सहायता किया है और सहदेव बादशाह जैसे महान कलाकार के साथ कैसे मिल पाया और सहदेव को इस गाने के कारण कितना पैसा मिला है, इसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते समय मुझे पता चला कि सोशल मीडिया में अपना वीडियो वायरल करने के लिए लोग इतना झूठ फैलाता है कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है। इसलिए मैं सहदेव के बारे में सही सही रूप से जानकारी इकट्ठा करने के बाद आपके पास प्रस्तुत करने के लिए इस वीडियो बना रहा हूँ और मेरे साथ बनी रहिएगा। यदि आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो अंत में इसको लाइक करना मत भूलिएगा और यदि आप मेरा चैनल में नया है तो इसको सब्सक्राइब करके अवश्य रख दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल में हिट कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वायरल से रिलेटेड मेरा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। इसी एक गाने के कारण सहदेव को, जो कि एक बकरिया चराया करता था, और उसको ग्राउंड से सेलिब्रिटी बनने तक का सफ़र और उसको इस गाने के कारण कितना कमाई हो पाया है अभी तक, इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं शॉर्टकट में सहदेव का फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सहदेव का असली नाम है सहदेव कुमार दिर्दो और उसका पिताजी का नाम है गुड्डी राम दिर्दो। उसका परिवार में 7 जन है, 2 बड़ी बहन है, 2 छोटी बहन है और 2 छोटे भाई है। इससे पहले सहदेव अपना भाई के साथ खेत में बकरियां चराया करता था और स्कूल भी पढ़ा करता था। अभी तो सहदेव सेलिब्रिटी बन चुका है और उसके पास समय भी नहीं है, लेकिन उसका भाई अभी भी बकरियां चराने खेत में ले जाते हैं और आते हैं। उसका पिताजी अपना गांव में खेती किसानी करते हैं और गाय बकरियां पालकर अपना जीविका बहुत मुश्किल से चलाया करते हैं। यहाँ पर तकलीफ की बात तो यह है कि सहदेव के ऊपर माँ का साया नहीं है और उनका माता जी तकरीबन 5 साल पहले ही गुजर चुके। अभी तक भी सहदेव का घर में ना तो टीवी था और ना ही मोबाइल था। सहदेव ने इस गाने को किसी दूसरे के मोबाइल में सुना था और इस गाने सुनते ही सहदेव को इतना अच्छा लगा कि वो इसी गाने को गुनगुनाया करता था। अब सहदेव को इस गाने के कारण कितना पैसा मिला है वो जानने से पहले जिस गाने के कारण वो वायरल हुआ है उसका ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। बचपन का प्यार वाला गाना का असली गायक है गुजरात के एक कलाकार जिसका नाम है कमलेश बरोड़ जी और उन्होंने इस गाने को 2018 में खुद ही कंपोज करके गाया था। यह गाना इंटरनेट पर कैसे वायरल हुआ इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सहदेव का गांव का जो सरकारी स्कूल का टीचर जिसका नाम है मिस्टर संतोष मांडवी ने यह कहा है कि आप सभी को पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कल्चर को भी थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए एक पीरियड रखा जाता है। सितंबर 2019 में शनिवार के दिन
कल्चरल प्रोग्राम के पीरियड में उस समय सहदेव क्लास 5 में पढ़ रहा था और उसी समय संतोष माडवी जी ने क्लास 5 के सभी स्टूडेंट को किसी को कविता बोलने के लिए और किसी को गाना सुनाने के लिए बोला, तो सभी ने किसी ने कविता सुनाया, किसी ने गाना गाया। जब सहदेव का टर्न आया तो सहदेव ने इसी गाने को प्रस्तुत किया, बचपन का प्यार है। मिस्टर संतोष माडवी जी को सहदेव का गाना बहुत पसंद आया, इसीलिए सहदेव को दोबारा इसी गाने को गाने के लिए कहा और 2 सितंबर 2019 को उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दिया और 2 साल तक ये वीडियो इंटरनेट में ऐसे ही पड़ा रहा। और कोरोना के कारण लॉकडाउन जिस टाइम चल रहा था उस टाइम अब लोगों के पास क्या था, मोबाइल ही था एक साथ, और मोबाइल में चलते चलते किसी के पास ये वीडियो पहुंच गया जो सहदेव ने गाया था, बचपन का प्यार है। उसको अच्छा लगा, उसने म्यूजिक के साथ रिमिक्स करके अपने भी कुछ वर्सन जोड़ के इंस्टाग्राम का रील बना के पोस्ट कर दिया। ये गाना कैसे कैसे भारत के महान कलाकार बादशाह जी के पास पहुंचा, तो बादशाह जी ने भी अपने दोस्तों के साथ एक सोफा में, आपको थोड़ा सा क्लिप देखना चाहिए और यह देख लीजिएगा, और इस गाने को उसने भी एक रील्स बना के पोस्ट कर दिया। और ये गाना इतना वायरल होने लगा कि जब बादशाह जी ने इंस्टाग्राम पर इस गाना का क्रेज को देखा तो बादशाह जी ने इस चीज़ को पहचान लिया, इस चीज़ ये गाना का पोटेंशियल को पहचान लिया और बादशाह जी ने तुरंत सहदेव के बारे में पता कर किया और सहदेव का ही गाँव का एक पिंटू साहू जी से कनेक्ट हो पाया और उसी के माध्यम से बादशाह जी ने सहदेव का वीडियो कॉल के मार्फत से बात किया और उसको उनके साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए दिल्ली बुला लिया। और बादशाह जी ने ही सहदेव को उनका घर से दिल्ली जाने तक बायर और गाड़ी का सभी बंदोबस्त किया, वहाँ रहने के लिए खाने के लिए सब बंदोबस्त किया और सहदेव दिल्ली जाके 3 दिन तक रहा और बादशाह जी ने उनको तब तक कटिंग वटिंग करवा के सब कुछ उसको एकदम मेकअप वेकअप करवा के एक सेलिब्रिटी का रूप दे दिया। और उसके बाद बादशाह जी ने उनके साथ रिमिक्स में एक गाना शूट किया, वो गाना का लिंक मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, जिसको 6 दिन के अंदर ही 80 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ मिला है और लगभग 5 मिलियन जैसे तो उसको लाइक मिल रहे हैं। अब मैंने अभी तक बादशाह जी का जितना भी वीडियोज़ देखा है इससे वायरल वीडियो कोई भी नहीं देखा है। तो आप समझ जाइए कि इंटरनेट का और ये सोशल मीडिया का पावर क्या है। अब आते हैं मेन मुद्दा पर कि सहदेव को इस गाने से कितना पैसा मिला है। सही में लोग बाग तो अपना वीडियो को वायरल करने के लिए दुनिया भर का झूठ फैला रहे हैं। कोई बोल रहा है कि नेहा कक्कड़ जी ने 1 करोड़ रुपये दिया है, बादशाह जी ने 50 लाख दिया है, कोई बोल रहा है 1 करोड़ दिया है, सलमान खान ने एक घर खरीद के दिया है, किसी कार कंपनी ने कार गिफ्ट में दे दिया है, अक्षय कुमार जी ने 20 लाख का कार दे दिया है, ये क्या क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सच तो यह है कि उनका पिताजी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया है कि बादशाह जी ने जब दिल्ली बुलाया था सहदेव को, उस समय उन्होंने 1,25,000 का पैसा उसका अकाउंट में डाल दिया है और बाकी सब खर्चे उसने देखा है और साथ में जो सहदेव का पढ़ाई लिखाई के लिए जहाँ भी पढ़ना चाहे जो भी म्यूजिक इंस्टीट्यूट के साथ साथ और एकेडमिक पढ़ाई के लिए भी वो खर्चा उठाऊंगा ये बोला है। और इसके लिए मैं बादशाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह से छोटे घर के लोगों को हमें भी प्रोत्साहन देना चाहिए और उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ हमें भी करना चाहिए, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आपको यह जिम्मेदारी बनता है इस वीडियो को लाइक करें, आप अपने दोस्तों को शेयर करें, यदि मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अवश्य रख दीजिएगा। यह भी उम्मीद है कि जो सहदेव दीर्दो है उसके लिए बादशाह जी बहुत कुछ करने वाला है आने वाला दिनों में। अब देखते जाएंगे क्या होता है, उसका भी मैं अपडेट लेकर आता रहूंगा। और यह भी पता चला है कि एक पत्रकार ने सहदेव को एक मोबाइल गिफ्ट किया है और जब सहदेव छत्तीसगढ़ के CM बघेल जी से मिलने गए थे तो उस टाइम उसी का जो सरकार के तरफ से उसको घर बनाने के लिए भी आश्वासन दिया है और साथ में एक TV और एक लैपटॉप भी दिया है, ऐसे सुनने में आ रहा है, लेकिन ऑफिशियली कहीं भी देखने को नहीं मिला है। और सहदेव को कार गिफ्ट करने का वायरल वीडियो जो चल रहा है उसका सच ये है कि एक MG शोरूम है, वहाँ पर एक कस्टमर आया और वहाँ से एक कार खरीदा और कार खरीदने के बाद वो कस्टमर ने यह इच्छा जाहिर किया कि उसको जो चाबी है सहदेव द्वारा पकड़ाया जाए, तो इसीलिए वो शोरूम द्वारा सहदेव को बुलाया गया और वहाँ से सहदेव के हाथ से उनको चाबी दिलाया गया और उसी टाइम उस शोरूम द्वारा सहदेव को 21,000 का चेक बना के भेंट स्वरूप दिया गया और सहदेव को उस टाइम में एक चॉकलेट का पैकेट भी दिया था, लेकिन वो चॉकलेट पैकेट जल्दी होने के कारण, फ्लाइट में देर होने के कारण उसको नहीं ले पाया, तो इसके लिए सहदेव बहुत दुखी है। अभी हाल ही में फिर सहदेव बम्बई गया था, बादशाह जी ने बुलाया था, उसको शूटिंग हुआ है, उसका भी एक वीडियो अवश्य आएगा कुछ ही दिन में और उसके लिए भी पैसे अवश्य मिलेगा। सहदेव छोटा सा है अभी भी, उसके पास बहुत सारे समय है,
कर पाया, सीखने का समय है। मुझे लगता है कि सहदेव को बहुत तरक्की मिलेगी। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसको तरक्की दे, हमें भी उनको सहायता करना चाहिए, ना कि रानू मंडल की तरह कुछ दिन के लिए सेलिब्रिटी बन गए उसके बाद कहाँ गुम हो गए। इस तरह से होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक छोटा सा लड़का है, उसके पास बहुत सारे समय है। यदि हम लोग भी इसी तरह से उसको प्रोत्साहन करते रहेंगे, इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, तो उसका वीडियो वायरल होता रहेगा और लोग उसके पीछे पड़ते रहेंगे। आजकल तो सहदेव के पीछे इतना लोग है कि दुनिया भर का सोशल मीडिया के लोग भी, यूट्यूबर भी जा रहे हैं उसको इंटरव्यू लेने के लिए, जो भी न्यूज़ रिपोर्टर्स है सबका सब उसके पास जा रहा है। और एक बात तो वो सहदेव ने ये भी बोल रहा है कि आजकल मुझे बहुत परेशान करने लग गए हैं, क्योंकि बार बार एक ही गाना गाने के लिए बोल रहा है, उसी गाने को सुनाने के लिए बोल रहा है, तो वो परेशान भी हो रहा है। और सहदेव के बारे में जो भी अपडेट मिलता रहेगा उसका वीडियो मैं बना के लाता रहूँगा, ताकि आपको सही चीज़ जानकारी मिल सके। इसके लिए यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यदि आप मेरा चैनल में नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल में हिट कर दीजिएगा, ताकि मुझे ढेर सारे प्रोत्साहन मिल सके और मेरा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। आज के लिए इतना ही। जाना मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। नमस्कार, बाय बाय।